अलैकुम जी, मैं आसिम अकरम और आज मैं नांगी में मौजूद हूँ जी। तो आज सुभान भाई हैं मेरे साथ, तो आज हम इधर खड़े थे तो ये एक लड़का हमें मिला है जी। ये गोला बेच रहा है, आयत भी हमारे साथ है। तो ये बच्चा गोला बना रहा है जी, ये बर्फ़ का बना होता है। तो आजकल बच्चे खाते हैं, पहले बड़े अच्छे से शुरू है ये इस तरह बनता है तो ये खाते हैं। तो ये देख लें जी, ये इसने रेड़ी लगाई हुई है ईद वाले दिन। तो ये बोल रहा है जी मैंने कल 1.5 लाख रुपया सेल किया है, तो देख लें अगर इसका खर्चा आया है 2-3-4-5 हज़ार तो इसने इतने पैसे बचाए। ये देख लें, ये बच्ची खा रही है, ये इस तरह बच्ची लेके जाते हैं यहाँ से, ये नांगी के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? मैंने सुना कल आपने 1.5 लाख रुपया बचाया है गोले की रेड़ी से, यही बात है? सही है, यानी पैसे बना रहे हो, आज भी काफ़ी पैसे बनाओगे। ये सारे बच्चे आपसे गोला लेने के लिए आए हुए हैं, माशाल्लाह। बेटा कैसे हो, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? अच्छे गोला बनाते हैं ये? ठीक है ठीक है, ये देख लें जी नांगी के अंदर का है। तो माशाल्लाह जी, ये बच्चा एक देख लें इतने पैसे कमा रहा है हमारे मुल्क में, तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये साथ गाना शाना भी सुनाता है बच्चों को, गाना शाना भी गाते हो, वो भी सुनाते हो बच्चों को और गोला खिलाते हो। सही है ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है जी। एक और बनाओ जी, हमें भी खिलाओ ना, आप हमें भी खिलाओ ना, हम भी खाएं। तो ये देखें जी आप बनाने का इसको तरीका, ये देख लें, ये अब निकालेगा बर्फ़, ये बर्फ़ है, पैसे इसी तरह कमा रहा है। ये छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है लेकिन ये 4 से 5 घर ये चला रहा है इस गोले की कमाई से। ये देख लें, सुभान भाई, ये आयत ने गोला लिया है, वो खा रही है।